लोकभवन में हुई योगी कैबिनेट की बैठक, 18 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। केसीएमयू और लोहिया संस्थान को पीजीआई की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा। और यूपी के सीएम योगी ने अपनी सरकार के अफसरों को सख्त ताकीद दी है कि वे जन समस्याओं का एक समय सीमा में निस्तारण करें और साथ ही शिकायतकर्ता को पूरी तरह से संतुष्ट किए जाने के भी निर्देश दिए गए और अब शिकायत दूर न करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी होगी। गोरखपुर को लगेंगे विकास के पंख, औद्योगिक क्षेत्र बनाकर रोजगार देने की तैयारी। नोएडा ग्रेनों के मुकाबले बनेगा औद्योगिक क्षेत्र, लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर बोले केशव, जरूरतों को देखकर यूपी सरकार ने फैसला लिया है। सरकार के पास डेवलपमेंट के कई काम है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कानून व्यवस्था पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव अपने कार्यकाल पर नजर डालें, यूपी की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। नीरज शेखर बने बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए नीरज शेखर। नीरज शेखर ने निर्वाचन प्रमाण पत्र भी लिया। गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लखनऊ में तहसीलों पर चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस पर प्रशासन द्वारा अच्छी पहल, अब फरियादियों की समस्या का होगा जल्द ही निस्तारण। और मोहनलालगंज तहसील पहुंचे जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि अब फरियादियों को ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। कौशाम्बी में भूमाफिया के हाथ जमीन न बेचना, एसपी नेता गुलाम हुसैन को महंगा पड़ गया। लाठी डंडे और असलहों से लैस दर्जनों माफियाओं ने पहले तो एसपी नेता के घर पर चढ़ाई कर दी, उसके बाद हत्या करने की नियत से एसपी नेता और जमकर फायरिंग भी की और पत्थरबाजी की। और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं घटना में बाल बाल बचे एसपी नेता का आरोप है कि हमलावर बीजेपी विधायक संजय गुप्ता के बेहद करीबी हैं। इसके लिए पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। घटना का सीसीटीवी फुटेज मीडिया में आने के बाद पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते बिजनौर के बैराज से 1,64,000 क्यूसेक और हरिद्वार के भीमखोड़ा बैराज से 3,20,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। और जहां गढ़गंगा खादर के क्षेत्र में करीब 2 दर्जन गांव का गढ़ शहर से संपर्क टूट गया है और बाढ़ के कारण क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, प्रशासन ने हाईअलर्ट भी जारी कर दिया है। उपजिलाधिकारी और गढ़ एसडीएम समेत सरकारी अमला मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश भर में प्रदूषण मुक्त हरियाली युक्त अभियान को पूरा कर लिया गया है और वृक्षारोपण महाकुंभ के अंतर्गत प्रदेश में 22 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प पूरा कर लिया गया। और इस अभियान में वन विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के जैती खेड़ा गांव में प्रदेश के मुखिया और चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में पौधे लगाए गए, लेकिन पौधों को मवेशी अपना निवाला बना रहे हैं। आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा देखरेख में बढ़ती लापरवाही का आलम यह है कि 11 दिन पूर्व वृक्षारोपण महाकुंभ के दौरान यहां पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सहयोगी मंत्रियों की मौजूदगी में लाए गए तमाम वृक्ष टेंट का सामान उठा लेने से पहले ही सूखने लगे। और वहीं गोसाईगंज के नूरपुर बेटा में भी मंत्रियों की अगुवाई में लगाए गए वृक्षों का पुरुषाहाल पूरा है। सहारनपुर में पत्रकार और उसके भाई की हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 अवैध तमंचे, कई कारतूस और 2 लाइसेंसी बंदूक भी बरामद कर ली गई है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी महिपाल अपने दोनों बेटों को हथियार रखने की ट्रेनिंग भी दिया करता था। सोशल मीडिया पर महिपाल की 2 बेटों के साथ में करतूत और लाइसेंसी बंदूक लिए हुए फोटो भी वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में एसपी ग्रामीण शिवराज ने दुराचार मामले में रखा अपना पक्ष। 19 अगस्त की रात 11 बजे पीड़ित युवती ने 4 अभियुक्तों पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया था और 24 घंटे में जयसिंहपुर पुलिस का गुडवर्क आया सामने और 20 अगस्त को 24 घंटे के अंदर ही पुलिस की गिरफ्त में चारों दुराचार के आरोपी। भदोई के पुलिस अधीक्षक का तबादला किया गया, रामबदन सिंह को पुलिस अधीक्षक बनाया गया। भदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश एस भदोई से प्रशिक्षण एवं सुरक्षा लखनऊ ट्रांसफर हुए। तालबेहट राय खादी ग्राम उद्योग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, तो वहीं माटीकला के 60 हुनरमंदों को विद्युत चलित चाक पर वितरण किया गया और माटीकला बोर्ड के तत्वाधान में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
ललितपुर में बहुचर्चित सोनी राजा हत्याकांड के दो और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित है और विवाद के दौरान सोनी राजा की पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई थी। मुख्य आरोपी मोहसिन को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। मृतक सोनी राजा हिंदू युवा वाहिनी का सक्रिय कार्यकर्ता था। हाथरस के कस्बा मेंढू में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया और उसे वायरल भी कर दिया। वीडियो में पीड़िता ने ससुराली जनों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को बयान किया है। वीडियो में नवविवाहिता ने अपनी मौत का जिम्मेदार ससुरालियों को बताया और उसके बाद महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुंडा में धार्मिक आयोजन के दौरान दबंगों का कहर देखने को मिला। झूलेलाल महोत्सव में आई महिलाओं के साथ दबंगों ने नशे की हालत में छेड़छाड़ और अभद्रता की है। इस दौरान दबंगों ने लोगों में दहशत बैठाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। उसके बावजूद दबंगों ने लोगों के साथ मारपीट की। दबंगों को कारनामे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने वारदात स्थल का दौरा किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद के मोदीनगर पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। एक दरोगा समेत चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक व्यापारी को पुलिस चौकी ले जाकर जमकर मारपीट की। व्यापारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो रोड पर टॉयलेट कर रहा था। व्यापारी का आरोप है कि अपने एक कर्मी के साथ खाना खाने के लिए मोदीनगर पहुंचा था, लेकिन रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। नीरज ने रोड किनारे टॉयलेट किया और जिसे देखकर कुछ पुलिसकर्मी मौके पर आ गए। नीरज और उसके कर्मी को चौकी ले गए, जहां नीरज के साथ बदसलूकी की और चौकी में थर्ड डिग्री डीए टॉर्चर किया और जिसके पीड़ित के शरीर पर टॉर्चर के निशान पड़ गए, तो वहीं एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां महिला ने थाने में लिखित शिकायत दी है। शिकायत पत्र में महिला ने बताया कि उसका पति से विवाद चल रहा है, जिसके लेकर न्यायालय में मामला भी चल रहा है। इसी को लेकर वो कोर्ट आई थी और इसी दौरान दंपत्ति में विवाद हो गया, जिससे गुस्साए पति ने 3 तलाक दे दिया। फिलहाल पुलिस ने महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। गाजियाबाद में पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर लूट करने की कोशिश में लगे चार लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने सामान भी बरामद किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी के आराकोट पहुंचे और आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर उसका जायजा लिया और साथ ही मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट, टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह, विधायक राजकुमार, मुन्ना सिंह चौहान, प्रीतम सिंह चौहान मौजूद रहे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आपदा प्रबंधन सचिव अमित नेगी से आपदा की स्थितियों और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने घायलों को अच्छे से अच्छे उपचार को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। राज्यपाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तैनात क्रमिकों और अन्य संसाधनों की जानकारी भी ली और साथ ही कहा कि मौजूदा समय में पूरी सरकारी मशीनरी पूर्ण रूप से अलर्ट रहे और लोगों को जल्द से जल्द सहायता दी जाए। और साथ ही राज्यपाल ने लोगों से जागरूक रहने और हर संभव सावधानी बरतने की अपील की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह त्यूणी पहुंचे हैं और बीते दिनों अतिवृष्टि और बादल फटने से आई दैवीय आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।